साथियों और विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष शमशेर बहादुर सिंह की एक बहुत प्रसिद्ध कविता चुका भी हूं मैं नहीं, इसकी व्याख्या लेकर आया हूं। ये कविता कई साल पहले मुझे लोगों ने मांगी थी, दो तीन लोगों ने लिखा था, मगर मैंने उसे ध्यान नहीं दिया क्योंकि बहुत व्यस्तता थी उस समय, हमारे रस वगैरह चल रहे थे। इस बार करीब 10 दिन में 2-3 बार कोई ओशियन करके हैं, OCEAN, लोग अपना आईडी बना लेते हैं अलग अलग नामों से, किसी ने बनाई है इस नाम से आईडी। मैं उनसे परिचित तो नहीं हूँ। उन्होंने एक बार और फिर दोबारा जब पुनरावृत्ति की कि सर इस कविता को पढ़ा दीजिए, तो मैं आज इस कविता को लेकर आ गया हूं। शमशेर बहादुर सिंह की यह कविता शायद 1941 में लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा। देशकाल और वातावरण साहित्य समाज का दर्पण है, उसका प्रभाव पड़ता है परिवेश का। उस समय देश दास्ता की वेणियों में जकड़ा हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था, उसका प्रभाव पड़ेगा। कवि कहता है चुका भी हूं मैं नहीं, चुका भी नहीं हूं मैं, चुका शब्द बड़ा प्रसिद्ध है, बिल्कुल साधारण है, घरेलू है, देशज है। चुका कहीं खा चुके, घर बन चुका, कपड़ा धुल चुका, सामर्थ्य समाप्ति की ओर। चुका भी हूं मैं नहीं, मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूं, मैं अभी पूर्ण नहीं हुआ हूं, मैंने भी अपना काम पूरा नहीं किया है, लेकिन मुझमें सामर्थ्य की कमी नहीं आई है। चुका नहीं हूं मैं, पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं हुआ हूं, भले ही कितनी अवस्था हो जाए। शमशेर बहादुर जी कहते हैं मैं अभी अवसान की ओर नहीं हूं, ढलने की ओर नहीं हूं, चुका भी हूं मैं नहीं, क्योंकि हमें जिन कामों को करना है, हनुमान जी ने ही तो कहा था, हनुमान ते ही परसा अरे कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। राम काज के वहां राम काज था, यहां कवि कहता है कहां किया मैंने प्रेम अभी। जब प्रेम ही नहीं किया तो प्रेम चुकेगा कैसे, प्रेम की मात्रा समाप्त कैसे होगी, प्रेम का हृदय में जो निधि है वो खत्म कैसे होगी, अभी तो मैंने प्रेम किया ही नहीं है। भाई स्वाभाविक है, अगर आपकी जेब में 5,000 रुपए हैं और आपने खर्च किए ही नहीं है तो वो तो ज्यों के त्यों रखे होंगे। वो कहता अभी मैंने प्रेम कहां किया है, इसलिए वो रुपए भी नहीं चुक सकते और ना हमारा प्रेम चुका है। पूरे के पूरा प्रेम की भावना मन के अंदर संचित है, इकट्ठे है, जमी हुई है, कहां किया है मैंने प्रेम अभी। ध्यान रखिएगा कविता एकात्म से परमात्म की ओर, शांति से क्रांति की ओर, एकल व्यक्ति से संयुक्त की ओर, एक व्यक्ति से वसुधैव कुटुंबकम की ओर कविता बढ़ रही है। ध्यान रख, खाली उसका प्रेम सांसारिक ही नहीं है, कई बार ऐसा होता है। हरिवंश राय बच्चन की वो कविता, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, यहां भी वही बात है। वो कहता है कहां किया मैंने प्रेम अभी, इसलिए मैं चुका नहीं हूं, समाप्त नहीं हुआ हूं, हिम्मत नहीं आ रही है, कहां किया मैंने प्रेम अभी, अरे जब करूंगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर। जब करूंगा प्रेम, उसने कहा जब मैं प्रेम करना प्रारंभ करूंगा, हमारे प्रेम में वो शक्ति है, हमारे प्रेम में वो दम है जो क्या करेगी, जब करूंगा प्रेम अरे पिघल उठेंगे युगों के भूधर, उफन उठेंगे 7 सागर। दो चीजें आ गई, 7 सागर और युगों के भूधर। साथियों दिनकर जी की कविता याद आती है ना, लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर अरे आंसू के कण बरसाता चल। कहते हैं जब करूंगा प्रेम पिघल उठेंगे युगों के भूधर, ये है प्रेम की ताकत।
अगर प्रेम वास्तव में है तो सब कुछ संभव है। वो कहता है जब मैं प्रेम करूंगा तो जो युगों के भूधर हैं, युगों के भूधर कहा है, भूधर पर्वत होता है, पर्वत का पर्याय है, युगों के भूधर प्राचीन सारी परंपराएं क्या होंगी, पिघल जाएंगी। लोहे के पेड़ हरे होने की बात तो है, युगल वो कहता है पिघल उठेंगे, युगों के भूधर पुरानी जड़ता समाप्त हो जाएगी, पुरानी टूटी फूटी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, प्रेम का ही बोलबाला हो जाएगा, यत्र तत्र सर्वत्र प्रेम की विजय होगी, सब जगह प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देगा। कहते हैं पिघल उठेंगे युगों के भूधर, जो जड़वत हैं वो जड़ता समाप्त हो जाएगी। अरे हर फिल्म में देखते हो किसी क्षेत्र में नायक और नायिका का मिलन, और फिर बीच में खलनायक का आगमन, और दोनों का बिछोह, और अंत में फिर मिल जाना। वही बात कहता है युग। और उस समय आप देखते हैं फिल्मों में कितना ही खलनायक या उसका लड़की का या लड़के का पिता जो भूधर के समान अडिग है, जटिल है, अटल है, अचल है, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। कवि कहता है पिघल उठेंगे युगों के भूधर, युगों युगों से अचली आ रही जो जड़ता है, जो नीरसता है, वो सब समाप्त हो जाएगी। मेरे प्रेम में इतनी ताकत होगी जब मैं प्रेम करूंगा। इतना ही नहीं, अरे उफन उठेंगे सात सागर, सप्त सागर, पूरे विश्व की बात हो गई, वसुधैव कुटुंबकम, सातों सागरों में उबाल आ जाएगा। क्योंकि प्रेम में उष्मा होती है, गर्मी होती है, जोश होता है, उमंग होती है, उत्साह होता है, उमंग और उत्साह होते हैं। उफन उठेंगे सात सागर, सागर कहाँ हैं, मन के अंदर हैं, और सात सागर दुनिया में है, संसार में है। सप्त सागर प्रसाद जी कविता है, सप्त स्वर सप्त सिंधु में मिले, उठा तब मधुर साम संगीत। कहते हैं उफन उठेंगे सात सागर, ये तब होगा जब मैं प्रेम करूंगा। कोई ये ना समझ ले कि अवस्था ऊपर हो गई है तो अब मैं शांत हो गया हूं, शांत नहीं हुआ। मन की क्रांति है, मन में वेदना है, मन में जोश है, उमंग है, कर सकने की क्षमता है, किंतु अभी किया नहीं है। कहते हैं युगों के भूधर उफन उठेंगे सात सागर, किंतु मैं हूं मौन आज, आज मैं मौन हूं। हर आदमी ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता, हमारे लिखा है बोलना एक सुंदर कला है, मौन उससे भी ऊंची कला है, खामोशी वार्तालाप की महान कला है। आज कभी मौन है रहीमन चुप है बैठिए, देखी दिनन को फेर, जब नीके दिन आई हैं बनत न लागी देर। समझदार व्यक्ति जो होता है वो उस तमाम बवालों के मध्य, संघर्षों के मध्य कुछ दिन मौन हो जाता है। कभी कहता है किंतु मैं हूं मौन आज, कहां सजे मैंने साज, अभी मैंने वो साज नहीं सजाए, वो तैयारी नहीं की है, वो जोश नहीं दिखाया है, वो क्रियाकलाप नहीं प्रारंभ किए हैं जो प्रेम करने के लिए करना चाहिए। वो प्रेम एक व्यक्ति का हो, वो प्रेम एक परिवार का हो, वो प्रेम एक समाज का हो, वो प्रेम राष्ट्र का प्रेम हो, वो प्रेम विश्व का प्रेम हो, वो मानवता का प्रेम हो। किंतु मैं हूं मौन आज, कहां सजे मैंने साज अभी। अरे सरल से भी गूढ़ गूढ़तर तत्व निकलेंगे अमित विषमय, जब मथेगा प्रेम सागर हृदय। बड़ी सुंदर बात, जब मथेगा प्रेम सागर हृदय, हृदय को ही उसने प्रेम का सागर बताया है। मंथन करना पड़ेगा, अरे इस मन में, इस हृदय में सब कुछ तो भरा पड़ा है। जिस प्रकार सागर का मंथन हुआ था, एक ऐतिहासिक कथा की ओर संकेत कर दिया। अरे समुद्र मंथन ही तो हुआ था, जिसमें जहर भी निकला था, अमृत भी निकला था, 14 रत्न भी निकले थे। कवि कहता है जब मेरे हृदय रूपी सागर का मंथन करूंगा, मथूंगा सरल से भी गूढ़। मैंने कहा था कविता सरलता से कठिनता की ओर, एक से अनेक की ओर, शांति से क्रांति की ओर बढ़ती है। सरल से भी गूढ़ जब मैं प्रेम करूंगा तो सरल सामान्य सा प्राणियों के लिए, धरती के जीव जंतुओं से लेकर के गूढ़ रहस्यात्मक विद्वानों तक, बड़े बड़े लोगों तक, और गूढ़तर जो तमाम गहराई से परिपूर्ण हैं, समस्याएं हों, व्यक्ति हों, स्त्री हो, पुरुष हो, और तमाम परंपराएं हों, सरल से भी गूढ़ गूढ़तम तत्व निकलेंगे हमारे प्रेम में। जब मैं प्रेम करूंगा यथार्थ सामने आएगा, असलियत सामने आएगी, और प्रेम करने वाले भी सामने आएंगे, तब तो निकलेंगे अमित विषमय,
हमेशा जब मथा जाता है दो चीजें निकलती हैं, अमृत और विष। समुद्र मंथन में निकला था। अरे मीरा को पढ़ा होगा ना, मीरा कहती है मैंने कृष्ण के प्रेम के लिए दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, मैंने प्रेम रूपी दही दूध जमा दिया। फिर क्या हुआ संसार में, कहती है दूध की मथनियां बड़े प्रेम से मत बिलोई, दधि मत घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, मैंने दही को मत कर छोई को अलग कर दिया और घृत को निकाल लिया। यहां तत्व निकलने की बात कवि कहता है, जब मैं प्रेम करूंगा तो अमित विषमय तब मथेगा प्रेम, जब प्रेम सागर मथेगा अमृत और विष की प्राप्ति होगी। अमित विषमय जितने भी जो तमाम चीजें दूर रहने वाली हैं, जो तमाम चीजें विषैली हैं, जो परंपराएं खराब हैं, जो भावनाएं खराब हैं, जो मन के कटु लोग हैं, वो सब जो हैं उसमें से निकलेंगे, अलग कर दिए जाएंगे। अमित विषमय जब मथेगा प्रेम सागर हृदय, जब इस प्रेम रूपी सागर में मंथन होगा चिंतन होगा तो कहते हैं अमित विषमय कष्ट है मंथन पूरा करने को तैयार है। कबीर ने कहा था शीश उतारे भुई धरे तापर राखे पांव, जब सर उतार कर कटा करके जमीन पर रख दो, शीश उतारे भुई धरे तापर राखे पांव, और दास कबीरा यूं कहे ऐसा हुए सुहाओ। तभी तो उसने कहा था प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, अरे राजा परजा जही रुचे शीश दे ले जाए। वो प्रेम की भावना वो कहता है अमित विषमय प्रेम तब निकलेगा जब मथेगा प्रेम सागर हृदय, अरे निकटतम सबकी अपार सौर्यों की तुम तब बनोगी एक गहन मायामय प्राप्त सुख। कहता है निकटतम सबकी, क्योंकि प्रेम सबके लिए होगा सबका होगा, वहां केवल कहने को नहीं होगा, सबका साथ सबका विकास। वहां वास्तविकता यह है कि जब मैं प्रेम करूंगा, फिर वही दिनकर की पंक्ति आती है लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल। कहती है निकटतम सबकी माने हर व्यक्ति उससे लाभान्वित होगा, जब हम प्रेम की भावना का प्रचार प्रसार करेंगे यहां समूह के रूप में, और जब मैं प्रेम स्वयं करूंगा तुमसे। अगर नायिका के प्रेम की ओर आप लेना चाहते हैं, क्योंकि छायावाद में ये स्थिति बदल चुकी थी, वहां तमाम चीजें सब कुछ सामने आ गई थी। स्वयं पंत ने कहा था ना, न जाने नक्षत्रों में कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, तो सर्वव्यापी प्रेम हो गया था। कहते निकटतम सबकी, सबकी निकटतम, सबको सफलता प्राप्त होगी, सबको एक दूसरे से प्रेम होगा। मैथिली शरण गुप्त की वो लाइनें भारत भारती की सबके की, वो उन्होंने कहा था कि सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रक्त प्रवाह हो, गुणशील साहस बल तथा अरे सब में भरा उत्साह हो, सबके हृदय में सर्वदा समवेदना की दाह हो, तुमको हमारी चाह हो हमको तुम्हारी चाह हो। यहाँ निकटतम सबकी से वही आशय है, हम सब हमारे हैं, हम सबके हैं, सब हमारे हैं। निकटतम सबकी अपार शौर्यों की, जो बड़े वीर लोग होंगे, जिनकी धारणाएं सख्त रही होंगी, उन सबके मिलने के बाद भी हम उनको भी नरम के रूप में ला देंगे, हम उनको भी द्रवित कर देंगे, उनको भी पिघला देंगे, अरे विष के हृदय में भी अमृत की धारा बहा देंगे। अपार शौर्यों की तुम तब बनोगी एक गहन मायामय, मायामय क्या है, तब सांसारिक माया, तब तुम संसार में सबको अपनाने का एक दूसरे का प्रयास होगा, सब एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे। स्वतंत्रता आंदोलन को ले लो, है ना, गांधी जी का क्या था, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोट पग उसी ओर, यही कोट पग की बात है। तब बनोगे तुम एक गहन मायामय प्राप्त सुख, जो विजय है जो हमें गले लगेगी, प्रेम के रूप में गले लगेगी, हम भारतवासी होंगे, हम सब एक दूसरे के हितैषी होंगे, शुभ चिंतक होंगे, गहन मायामय प्राप्त सुख, तब सांसारिक तमाम नाना प्रकार के सुख हमको प्राप्त होंगे प्रेम के माध्यम से। अरे तुम बनोगी तब प्राप्य जय, मानवता की विजय होगी, तुम प्राप्त जय बन जाओगी, जय की प्राप्ति होगी। आपने प्रसाद जी की कामायनी की वो पंक्तियां पढ़ी होंगी, शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, अरे समन्वय उनका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए, तब तुम विजयिनी बनकर मानवता बनकर हमारे गले लगोगी, हम तुम्हारे गले लगेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे। हमारा प्रेम अभी मैं तैयार पूरी तरह से नहीं हुआ हूँ, मैं अभी मौन हूँ किंतु मैं अभी समाप्त नहीं हुआ हूँ,
ये थी कविता की संक्षिप्त सी व्याख्या। ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली कविता का विशेष टॉपिक है। मैंने बताया कविता शांति से क्रांति की ओर है, अनुप्रास अलंकार है, कई जगह कवि ने रूपक का प्रयोग किया है, ऐतिहासिक कथा है बीच में लाई गई हैं, लोकोक्ति भी ले सकते हैं कई स्थानों पर, और ये सब तत्सम तद्भव देशज तीनों प्रकार के शब्दों का समावेश कवि ने किया है। शमशेर बहादुर जी की अपनी कविताएं एक अनोखी कविताएं होती हैं, देश प्रेम की भावना भी और व्यक्तिगत प्रेम की भावना भी और सामाजिक प्रेम की भावना भी, इन तीनों की त्रिवेणी कविता में निरंतर बह रही है। एक समुद्र का मंथन होना है, हृदय का मंथन होना है, हृदय का मंथन करो, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत बहुत धन्यवाद।